छपरा शहर के कटरा मोहल्ले में प्राचीन काठ की देवी का मंदिर अवस्थित है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा लगभग 300 वर्ष पूर्व स्थापित की गई थी। माँ दुर्गा के साथ साथ अन्य देवताओं की प्रतिमा नीम के लकड़ी से बनी है, जिस कारण इस मंदिर को काठ की देवी कहा जाता है। मंदिर के ही परिसर में स्थित एक नीम के पेड़ की लकड़ी से मूर्तियों का निर्माण कराया गया और इसकी स्थापना की गई। हर साल नवरात्रि के पूर्व मंदिर और मूर्तियों को रंगा जाता है। नवरात्रि में इस मंदिर में विशेष पूजा अर्चना होती है। श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर में पूजन के लिए पहुंचते हैं। भक्तों के अनुसार माता अपने हर भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। विशाल पेड़ था, यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा करने आता था लोग, लेकिन जो एक भक्त थे वो यहाँ के मेन होता है ना, कहीं भी मंदिर होता है तो एक भक्त रहते हैं, उनको सबने दिखाई कि मूर्ति का मतलब बनाने के लिए, वही मिस्त्री बुला के अपना मूर्ति वूर्ति तैयार किया। और दशहरा के टाइम में ऐसा ही सब पूरा पूजा वूजा हुआ, विसर्जन करने के लिए ले गया लोग, लेकिन उठवे नहीं कि यहाँ से माँ यहाँ से उठवे नहीं कि मतलब विसर्जन किया जाए, और यहीं पर लोग स्थापित कर दिए। बुजुर्ग हो गए खपरे के मकान में पहले थी, पहले थी रहे मूर्ति बनत रहे, विसर्जन होते रहे, नहीं नहीं वो सब नहीं होता था। विशाल नीम का पेड़ जैसे होता है उसमें लोग पूजा वूजा करता है लोग ना, वैसे नीम का पेड़ में पूजा होता है, वो साई होता था। और उसके बाद सपने में आया कि यहाँ पे उसी पेड़ से मतलब मूर्ति बन जाए तो अच्छा से पूजा और होगा, तो वही अपना सपना में आए तो कलकत्ता का मिस्त्री ही बना है, यहाँ का मिस्त्री नहीं, पूरे काठ की है, पूरे काठ एक ही मिस्त्री अपना पूरा तैयार, एक ही पेड़ है, एक ही मिस्त्री, हाँ एक ही मिस्त्री। और विशाल बहुत पेड़ था, कब बना जो जैसे लकड़ी है वैसा ही उस तरह से दिख रहे हैं। मूर्ति कब बना था? वही 300 के लमसम हुआ है, 300 साल हो गया, 300 साल हो गया अभी तक वही लकड़ी है। मरम्मत हमेशा होते रहता है, जैसे थोड़ा मोटा मूर्ति हो गया तो सब कागज उगज नहीं होते वो सुनाने वाला, हाँ उससे फिर 10 साल 15 साल भी फिर होते रहता है, और पेंट हर साल मतलब होते रहता है। पूजा जैसे सब मूर्ति का होता है वैसे इनका भी होता है, कलश उलश सब रखाता है, आँख खोलने का हो सारा विधि होता है। मतलब लोगों का मान्यता है कि जो भी मुराद लेकर मांग जो भी जो माता का जाता है उनका पूरा होता है, मुराद पूरी पूरा होता है यहाँ।